देखिए, जनपद गाजीपुर के अपराध नियंत्रण की स्थिति, यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति पर गहन मंथन हुआ है, विचार विमर्श हुआ है और हम लोगों ने यहाँ पर जो अपराधी हैं, तत्व हैं, जिनका चिन्हीकरण किया जा रहा है जिले स्तर पर, उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई और क्या क्या कार्रवाई अपेक्षित है उसके बारे में आज ये मंथन किया है। कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ देखा है कि अपराध नियंत्रण पर यहाँ अंकुश लगाया गया है। विगत वर्षों के भी जो केस थे वो खुले गए हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें अभी कार्रवाई की आवश्यकता है, ऐसे भी अपराधी हैं जो नए तौर पे आ रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक है, उनकी गतिविधि क्या है उस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के अपराधियों का डॉक्यूमेंटेशन, नए अपराधियों का चिन्हीकरण, उनका डॉक्यूमेंटेशन और उन पर प्रभावी विधिक कार्रवाई, ये तो अपराध नियंत्रण की स्थिति के संबंध में था। कानून व्यवस्था से संबंधित भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है, आने वाले समय में कौन से ऐसे आयोजन हैं जिसमें भीड़ भाड़ की आवश्यकता की आशंका है या ऐसे कोई आने वाला कोई एजिटेशन हो, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ चर्चा की। दी पुलिस मुख्यालय से जो निर्देश जो परिपत्र DGP महोदय के जारी होते हैं, उसमें महिला अपराधों के प्रति जो संवेदनशीलता है उससे भी यहाँ के अधिकारियों को लेके किया गया है। शासन की मंशा और पुलिस मुख्यालय की मंशा के अनुरूप, और आप जानते हैं कि अभी महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति खास तौर जो अपराध होता है उस पर पॉक्सो एक्ट और अभी एक नया ऑर्डिनेंस आया है जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के बाद लागू हो गया है। उस जो ऑर्डिनेंस हुआ उसमें क्या बिंदु है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि हमारी बच्चियां ऐसे भेड़ियों से सुरक्षित रहें, और अगर यदि कोई ऐसा कोई अपराध करता है तो उसको प्रथम वरीयता के आधार पर सजा दिलाना, ये हमारी मुहिम होगी या पुलिस विभाग का एक दृढ़ संकल्प है। तो इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, ऐसे भेड़ी वैशी लोग जो नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसा दुष्कृत करते हैं उनके प्रति संवेदनशील होना, थाने स्तर पर हर कर्मी को हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं पूरे प्रदेश में, और अपराधियों को तो हम लोग नकेल कसने की ऑलरेडी रणनीति बनाए हुए हैं और अपराधियों पर अच्छी कार्रवाई हुई है। देखिए, मैं आपकी कुछ बात से सहमत हूँ कि गाजीपुर में बहुत लोग नहीं रहना चाहते, अब इसकी क्या वजह है ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम आनंद कुमार।